हेलो एवरीवन नागिन से शुरू होने से पहले इतने सारे आर्टिकल्स आए थे कि ये शो सबसे महंगा शो है द मोस्ट एक्सपेंसिव शो शो इज़ हैवी और स्पेशल इफेक्ट्स वन थर्टी करोड़ का बजट है आर्टिकल्स लिखते हैं कि दिस इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव सीजन ऑफ नागिन इफ़ दिस डज़ नॉट वर्क इफर माइड शट डाउन द फ्रेंचाइज फ्रॉम नेक्स्ट ईयर शी इज मेकिंग इट ऑन अ बजट ऑफ रुपीज़ वन थर्टी करोड़ शी इज़ लाइक शी विल गो बिग और डू नथिंग एट ऑल देयर इज इमेंस प्रेशर ऑन तेजस्वी प्रकाश एंड सिम्बा नागपाल एज दिस इज अज सम अगर शो इतना महंगा है तो ऑब्वियसली शो के बेचारे लीड्स तेजस्वी और सिम्बा के कंधों पर बहुत भार आ गया है इतने एक्सपेंसिव शो का लोगों ने एकता कपूर को ये भी सलाह दी कि इतने बजट से तो एक मूवी बन सकती है लेकिन एकता ने फिर भी एक मूवी के बजट में एक शो ही बनाया है तो इमेजिन उस शो का स्टैंडर्ड कितना हाई होगा वन थर्टी करोड़ के स्पेशल इफेक्ट्स तो देखते हैं इस शो के बेस्ट स्पेशल इफेक्ट्स बी रेडी गाइज तो ये देखिए इतने महंगे भी इफेक्ट्स कितने रियल लग रहे हैं ये लोग कितनी रियल स्नो है और ये भी ये देखो मनी हाइस्ट का प्रोफेसर का कॉपी कैट लेकिन ये तो नागिन है मनी हाइस्ट ने यहाँ से प्रोफेसर की लुक चोरी की होगी एकता का भी कुछ नहीं चुराती 130 करोड़ में अच्छे राइटर्स और स्टाइलिस्ट भी तो हायर किए होंगे ना वाह क्या रियल माउंटेन्स हैं इन लोगों की हाइट माउंटेन्स के कंपैरिजन कुछ ज्यादा नहीं लग रही ये लोग लंबे हैं क्या माउंटेन्स कुछ ज्यादा ही छोटी हैं चलो कुछ भी हो वीएफएक्स कमाल के हैं 130 करोड़ की पूरी टोटल वसूली 130 करोड़ के सांप उड़ता हुआ सांप वाह 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 वा। नेक्स्ट वाला वीएफएक्स तो ऑस्कर अवार्ड डिजर्व करता है माय गॉड oh कितना रियल लग रहा है इन स्पेशल इफेक्ट्स को तो ऑस्कर मिलना चाहिए अगर नहीं मिला तो आई विल करोड़ में इतने अमेजिंग स्पेशल इफेक्ट्स के हॉलीवुड वाले भी शर्मा जाएं ओके ओके फाइन फाइन ये क्या है तीस लाख के शो को वन थर्टी करोड़ का बता रहे हैं ये लोग कुछ तो शर्म कर लो इससे ज्यादा अच्छे स्पेशल इफेक्ट्स तो आजकल टिकटॉकर्स और रील्स वाले क्रिएट कर लेते हैं ऑडियंस को उल्लू समझना बंद कर दो प्लीज़